प्रिय दर्शकों मृत्यु तथा न्याय के देवता धर्मराज कहते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है मित्रों एक समय की बात है जब देवर्षि नारद मुनि नारायण नारायण का जप करते हुए यमपुरी में पधारे उन्हें आता देख यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले हे देवर्षि नारद आपका हार्दिक स्वागत है आप अवश्य कोई महत्वपूर्ण प्रश्न लिए यहां पधारे होंगे नारद मुनि ने सादर प्रणाम करते हुए कहा हे धर्मराज मैं एक शंका के समाधान के लिए आपके पास आया हूं आप त्रिकालदर्शी हैं और प्रत्येक प्राणी के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं मैं मनुष्य के भाग्य के बारे में जानना चाहता हूं क्या भाग्य का लिखा बदला जा सकता है यमराज मुस्कुराते हुए बोले हे देवर्षि प्राणी चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले उसे अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है जैसे कर्म करोगे चाहे वह सत्कर्म हो या कुकर्म वैसा ही फल प्राप्त होगा इस विषय में मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जिससे आपकी शंका का समाधान हो जाएगा धर्मराज ने कथा का आरंभ किया एक समय की बात है अध्यादेश में सुधर्मा नामक एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था वह उस राज्य के राज मंदिर में पुजारी था और राजा का मुख्य सलाहकार भी उसे पूरे नगर में बहुत सम्मान मिलता था और वह पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध था एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जाने का निश्चय करता है वह मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था पंडित जी ने सुबह जल्दी उठकर अपनी पत्नी से कहा हे भाग्यवान आज मैं मेरे मित्र सुबह से मिलने जा रहा हूं तुम जल्दी से मेरे भोजन को साथ बांध दो पत्नी ने कहा ठीक है मैं अभी आपके साथ भोजन सहित अन्य आवश्यक सामान दे देती हूं आप अपना ध्यान रखें अगर लौटने में देर हो जाए तो किसी धर्मशाला में आश्रय लें पंडित जी ने हामी भर दी और भोजन के साथ घर से निकल पड़े रास्ते में पंडित जी अपनी ही धुन में चले जा रहे थे कि उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो देखने में बहुत हृष्टपुष्ट और श्याम वर्ण का था पंडित जी थोड़ा घबरा गए क्योंकि वह व्यक्ति किसी राज्य के गुप्तचर जैसा लग रहा था परंतु उसके हावभाव से प्रतीत हो रहा था कि वह किसी का इंतजार कर रहा है जब पंडित जी वहां से गुजर रहे थे तो वह व्यक्ति उनके साथ चलने लगा और मुस्कुराया पंडित जी भी खुश हो गए और सोचा कि चलो अच्छा हुआ साथ चलने से सफर आसानी से कट जाएगा बातों की शुरुआत करने के लिए पंडित जी ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा उसने अपना नाम महाकाल बताया पंडित जी को यह नाम अजीब लगा लेकिन उन्होंने उसके इस विचित्र नाम के बारे में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा दोनों साथ चलने लगे रास्ते में एक गांव आया गांव का प्रवेश द्वार आते ही महाकाल ने कहा हे पंडित जी आप आगे चले मुझे इस गांव में एक छोटा सा काम है मैं उसे पूरा कर आपसे आगे के रास्ते में मिलता हूं पंडित जी ने कहा ठीक है भाई और आगे चल दिए पंडित जी उसी गांव के बाहर वाले रास्ते से अगले गांव की ओर निकल पड़े कुछ देर बाद उसी गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को जंगली सांड ने मार दिया है पूरा गांव उस जगह पर इकट्ठा हो गया लेकिन ठीक कुछ ही देर में महाकाल पंडित के पास वापस आ गया और फिर से दोनों ने आगे चलना शुरू किया आगे एक नदी थी जिसे पार करके दूसरे गांव जाना था नदी किनारे एक छोटी नाव थी पंडित महाकाल और अन्य चार लोग नाव में सवार होकर नदी पार करने लगे जब नाव एक किनारे से दूसरे किनारे गई पंडित जी उतर गए महाकाल ने कहा पंडित जी आप इस गांव के मंदिर की ओर जाएं, मैं आपको वहीं मिलता हूं पंडित जी वहां से निकल गए लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद नाव पलट गई और उसमें सवार अन्य सभी लोग डूब गए पंडित जी लोगों को बचाने के लिए वापस आए किंतु कोई नहीं बचा महाकाल फिर पंडित के पास आ गया और बोला पंडित जी चलें उस नाव में जो भी था मैं किसी को नहीं बचा सका पानी का बहाव बढ़ चुका है दुखी मन से पंडित जी और महाकाल आगे की यात्रा पर निकल पड़े वे तीसरे गांव के द्वार पर पहुंचे जहां एक सुंदर और विशाल शिव मंदिर था वहां विश्राम की सुविधा अच्छी थी और पंडित जी के मित्र का घर अभी दूर था रात होने वाली थी पंडित जी ने महाकाल से कहा मित्र रात होने वाली है हम थक चुके हैं और भूख भी लगी है मैंने कुछ भोजन लाया है इसे ही मिल बांटकर खा लेते हैं और यहीं विश्राम कर लेते हैं सुबह यात्रा जारी करेंगे। महाकाल ने कहा ठीक है आज की रात यहीं रुक जाते हैं महाकाल ने पंडित जी से कहा पंडित जी आप यहीं विश्राम करें मुझे इस गांव में एक महत्वपूर्ण समाचार देना है आप भोजन करके यहीं विश्राम करें मैं थोड़े समय में वापस आकर भोजन करूंगा। इतना कहकर महाकाल वहां से चला गया उसके जाने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाते हुए भागता आया और बोला बचाओ बचाओ मेरा घर और पूरा परिवार आग की चपेट में आ चुका है हे भगवान उनकी रक्षा करो चारों ओर धुआं उठता दिखा और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई पंडित जी ने सोचा यह महाकाल जहां भी जाता है वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है उन्होंने रात्रि में महाकाल से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और दोनों सो गए अगली सुबह होते ही दोनों फिर से यात्रा शुरू कर दी कुछ देर चलने के बाद एक और गांव आया महाकाल ने पंडित से कहा आप आगे चलिए मुझे इस गांव में एक मित्र से मिलना है मैं आपसे आगे रास्ते में मिलूंगा यह कहकर महाकाल चला गया पंडित इस बार आगे नहीं गए बल्कि वहीं खड़े होकर महाकाल को देखते रहे तभी थोड़ी देर बाद खेतों से आवाजें आने लगीं कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है महाकाल फिर पंडित के पास पहुंचा लेकिन पंडित से रहा नहीं गया और उन्होंने महाकाल से पूछ ही लिया भाई आप जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है महाकाल ने मंद मुस्कान के साथ कहा पंडित जी आप तो बहुत ज्ञानी जान पड़े थे इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं पंडित ने कहा मैं कुछ कुछ समझ गया हूं लेकिन मुझे कुछ शंका है अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दें तो मेरे लिए आसानी होगी महाकाल ने कहा हे पंडित ध्यान से सुनो मैं एक यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के हरण करता हूं जिनकी आयु अब पूरी हो चुकी है पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका हो रही थी कि महाकाल यमदूत ही है महाकाल की बातें सुनकर पंडित घबरा गए लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर पूछा अगर आप सच में यमदूत हैं तो मुझे बताओ अगली मृत्यु किसकी है महाकाल ने उत्तर दिया हे पंडित अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे वह अपने अंतिम क्षण तुम्हारी गोद में बिताएगा और प्राण त्याग देगा यह सुनकर पंडित जी दंग रह गए और गहरी सोच में पड़ गए उन्होंने सोचा अगर यह सच है कि मेरे मित्र की मृत्यु होगी तो मैं उससे मिलने ही ना जाऊं कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा हे पंडित तुम जो सोच रहे हो वह मुझे पता है परंतु तुम्हारे मित्र से न मिलने जाने से नियति नहीं बदल जाएगी तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है महाकाल की बातें सुनकर पंडित को झटका लगा क्योंकि महाकाल ने उनके मन की बातें पढ़ ली थीं जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल यमदूत ही है जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया तो वे घबरा गए और अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहते थे इसलिए वे पलटकर अपने गांव की तरफ वापस भागने लगे जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़े उन्होंने देखा कि उनका मित्र तेजी से उनकी तरफ चला आ रहा है वह पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न था अपने मित्र को आते देख पंडित को लगा कि वह काफी देर से उनका पीछा कर रहा है पंडित का मित्र बचपन से ही गूंगा और अपाहिज था इसलिए वह पंडित को आवाज़ नहीं दे पा रहा था लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा अचानक जमीन पर गिर पड़ा पंडित ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और तभी उसकी मृत्यु हो गई यह देख पंडित हक्का बक्का रह गए और महाकाल की ओर देखने लगे महाकाल ने पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझकर कहा हे पंडित तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था वह गूंगा और लंगड़ा होने के कारण तुम तक नहीं पहुंच पाया लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती इसलिए उसने अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भागा और उसकी सांसें फूल गईं जिससे दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई इसलिए तुम्हारे मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे अब पंडित को पूर्ण विश्वास हो गया था कि महाकाल ही यमदूत है और उसका कार्य जीवों के हरना है पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति थे वे यह भी जानते थे कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है सबको एक न एक दिन मरना ही है यही सोचकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया लेकिन अचानक पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई उन्होंने महाकाल से पूछा हे hey यमदूत जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे महाकाल जोर से हंस पड़े और बोले मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं किंतु लोग पहचान नहीं पाते लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और के बारे में सोचने का समय नहीं होता पंडित ने कहा अगर आप ही मृत्यु हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब कहां और कैसे होगी महाकाल ने कहा हे पंडित किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी हो जाता है हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और तुमने अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। आगे महाकाल ने कहा तो सुनो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक छह महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी सबसे हैरानी की बात यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी खुशी उस फांसी को स्वीकार करोगे इतना कहकर महाकाल अचानक वहां से अदृश्य हो गए क्योंकि अब उनके पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था इसके बाद पंडित ने वहीं गांव में अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति से उसका क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गए मित्रों धर्मराज कहते हैं कि कोई प्राणी कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है मृत्यु से बचने का कोई उपाय अवश्य खोजता है और उससे दूर भागने का प्रयास करता है पंडित ने भी वही किया वे नगर के राजा के मुख्य सलाहकार थे इसलिए उनकी पहचान राजा तक थी पंडित ने सोचा कि राजा के पास कई ज्ञानी मंत्री हैं वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई समाधान अवश्य निकाल लेंगे यही सोचकर पंडित राज दरबार में पहुंचे और राजा से सारी घटना के बारे में विस्तार से बताया राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे हर संभव प्रयास करने की सलाह मांगी मंत्रियों ने विचार विमर्श करके कहा यदि पंडित की बात सही है तो उनकी मृत्यु छह महीने बाद ही होगी लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वे किसी दूसरे राज्य में जाएंगे यदि वे किसी दूसरे राज्य में जाएं ही नहीं तो मृत्यु ही नहीं होगी मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी उचित लगी पंडित के रहने की सारी व्यवस्था राजमहल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता था परन्तु पंडित कहीं भी आ जा सकते थे ताकि उन्हें यह न लगे कि वे कैद में हैं परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आते जाते नहीं थे धीरे धीरे महीने गुजरते गए और पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा अंततः वह दिन भी आ गया जिसके अगले दिन पंडित की मृत्यु होनी थी जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी सो गए वे सोच रहे थे कि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि उनकी मृत्यु टल सके लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वे स्वयं भी नहीं जानते थे इसलिए राजा मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित थे और पिछले कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहे थे नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा अचानक वे उठे और महल से निकलकर अस्तबल में गए पंडित राजा के खास मेहमान थे इसलिए किसी पहरेदार ने उन्हें नहीं रोका और न ही कोई पूछताछ की अस्तबल में पहुंचकर वे सबसे तेज चलने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद में ही अर्थात आंखें खुली थीं लेकिन दिमाग का नियंत्रण नहीं था वे अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चले गए वे दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गए वहां के पहरेदारों ने भी उन्हें नहीं रोका और न ही कोई पूछताछ की गई रात्रि का अंतिम प्रहार होने के कारण सभी लोग गहरी नींद में थे पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंचे जहां राजा और रानी एक साथ सो रहे थे पंडित वहीं जाकर रानी के बगल में सो गए मित्रों धर्मराज कहते हैं कि प्रातः का समय था राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा और अत्यंत क्रोधित हो गए राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों से पंडित को कैद करने का आदेश दिया और पंडित गिरफ्तार हो गए पंडित आश्चर्यचकित थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंचे परंतु वहां उनकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था सुबह होने पर राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया कुछ देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया पंडित को देखते ही राजा क्रोध के कारण आग बबूला हो गए और उन्हें फांसी पर चढ़ाने का हुक्म सुना दिया फांसी की सजा सुनते ही पंडित कांप उठे थोड़ी हिम्मत जुटाकर पंडित ने राजा से कहा महाराज मैं नहीं जानता कि मैं आपके राजमहल तक कैसे पहुंचा मैं यह भी नहीं जानता कि आपके शयन कक्ष तक कैसे आया और किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं परंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह हो रही है पंडित की बात राजा को अजीब लगी और उन्होंने पूछा तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है पंडित ने उत्तर दिया महाराज एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी मृत्यु आज ही के दिन फांसी लगने से होगी नहीं तो भला मैं स्वयं आपके कक्ष में आने का दुस्साहस नहीं करता पंडित ने पिछले छह महीने की सारी बातें राजा को बता दी और कहा महाराज मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में रानी के साथ सो जाए राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा परंतु उन्होंने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा की गई भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है राजा ने कहा यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा कि यमदूत धर्मराज ने कहा था तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो आज निश्चित ही तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा धर्मराज कहते हैं हे मुनिवर जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य के राजा और इस राजा के बीच मित्रता थी इसलिए राजा ने अपने दो सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगने हेतु भेजा भेजे गए सैनिक उसी दिन शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया महाराज पंडित जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब सत्य है पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले छह महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही राजमहल में कर रखी थी यह पंडित राजा का खास मेहमान था कल शाम को राजा आखिरी बार पंडित से उनके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है राजा के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया उन्होंने बिना पूरी बात जाने ही अनजाने में पंडित को फांसी की सज़ा सुना दी थी यदि पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान होता लेकिन यदि राजा की बात का रखा जाए तो एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाती राजा ने अपने सभी मंत्रियों से सुझाव मांगा मंत्रियों ने कहा महाराज पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी लगाई जाए इससे आपके वचन का भी मान रहेगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी उनके प्राण भी बच जाएंगे राजा को मंत्रियों का सुझाव पसंद आया और पंडित जी को भी यह सुझाव अच्छा लगा वे राजी हो गए राजा ने ऐसा ही करने का आदेश दिया पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा सभी लोग खुश थे कि न तो पंडित मरेगा और न ही राजा का वचन खाली जाएगा पंडित को भी पूर्ण विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है पंडित जी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे जैसे ही पंडित को फांसी दी गई सूत का धागा तो टूट गया लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था उनके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर शांत हो गया सभी लोग आश्चर्यचकित थे किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है परंतु घटना तो घट चुकी थी मित्रों धर्मराज कहते हैं हे hey, मुनिवर नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी श्रीमद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो होना होता है वह होकर ही रहता है हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें कितना ही उपाय करें लेकिन घटना और उसकी प्रणाली पहले से ही तय होती है हम उसे थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो वह छह महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय अधिक बेहतर जीवन जीता मित्रों यमराज कहते हैं हे मुनिवर इस प्रकार से प्राणी के जीवन में जो भी होने वाला होता है वह होकर रहता है सुखी और शांत जीवन जीने हेतु हमें अपने भाग्य और भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए हर क्षण का आनंद लेते हुए अपने कार्यों को नित्य रूप से करना चाहिए और सदा ही धर्म का आचरण करना चाहिए दर्शकों आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहें